कुछ नहीं होना इस बिल्स का, बहुत बार समझाया मैंने इसको। शोएब, हाँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे घर ड्रॉप कर दो के प्लीज। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। ओके गाइस, मैं चलता हूँ, अब गाड़ी वहाँ पार्क की है। बात सुनो, ये नोटिस प्लीज को दे दो, और हाँ बता देना इस बार उसे प्रोफेसर बस उसका बस सुला कर ही दम लेगा। चल यार, क्लास स्टार्ट होने। किस चीज का नोटिस है ये? बगैर इन्फॉर्म किए 10 दिन छुट्टी करने का। लेकिन 5-6 दिन तो आया है ना वो। हाँ आता तो रहे, लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं की उसने। इसमें तो सीधे सीधे एक्सपल्शन का नोटिस है। चलो समझाता हूँ मैं उसको कि अपना फ्यूचर बर्बाद ना करे और कल से क्लासेस भी अटेंड करे। कल तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल उसका निकाह है। कल? लेकिन वो तो ताशी मामू की मेहंदी पर नहीं था। लेकिन अब कल है। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, आज जाके पता करे ना। चलो चलो। बात क्या है, क्यों झाड़ रहे हैं इस तस्वीर को? मैं तो तस्वीर झाड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू भी अपने दिल पे जमी नफरत और बदगुमानी की जो गर्द जमी है उसे झाड़ दे। खून का रिश्ता था ना हमारा इससे। था क्या मतलब? अल्लाह सलामत रखे, मेरा आपकी अपनी जगह। नाराजगियां भी तो जिंदा लोगों से होती है ना। क्या मतलब, सब ठीक तो है ना? हौसले से सुन मेरी बात। सब वो मर गई है, वो जो पड़ी है ना वो इसकी बेटी। क्या? करीब से दिखाओ, करीब से, और bring it closer। ये देखें। नो 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 नो, बहुत ही कुछ थर्ड क्लास टफ लग रहा है पीछे की डिश को। कोई और दिखाइए, और दिखाइए। दादी इतने सारे तो दिखा चुकी हूँ। लेकिन ये तो कह रहे थे तुम्हें कि दादी को साथ लेके जाओ, हमारी आउटस्टैंडिंग चॉइस है, क्लासिक चीजें पसंद करते हैं। अब मैडम को ये दिखाएं, बहुत ही एलिगेंट है। दादी ये वाला देखें। आके लेकिन इसका तो कलर कॉम्बिनेशन ही आउटडेटेड है। क्यों दीदी, क्यों दीदी, हमारा टाइम ना वेस्ट कीजिए और अपना चलिए पीछे कीजिए। परी ये वाला दिखा, ये खाला जी को। खाला जी देखें, ये बहुत प्यारा है, भरावा भी है, लाल रंग भी है, और मैक्सी आज का बड़ा फैशन है आजकल। तो कोई है, हमें तो कोई खास नहीं लग रहा, कोई क्लास है नहीं इसमें, रिजेक्ट कर दीजिए। तो क्यामत तक कुछ पसंद नहीं आना। दादी को दिखाऊं? क्यों, शादी तुम्हारी है दादी की, खुद पसंद करो। तुम्हें भी तो दादी ने पसंद किया है। तो चलो फिर ठीक है, मुझ पे छोड़ो ना। यो सेल्समैन ब्रो, पैक करो। वे जिसने पहनना है उसे तो पूछ ले। निकाह मेरे साथ हो रहा है ना, तो पसंद ही मेरी होगी, किसी मलका या शहजादी की नहीं। ब्रो बिल बताओ उसका। अपनी आई पे आ गई है ये तो। ये वाला देखे, ये अच्छा लग रहा है। हाँ वाकई तो बड़ा प्यारा है, काम भी बहुत अच्छे हैं बिल्ले, अच्छा है ना? ये कर दो यार, बहुत सीन है। भजन आप ना मुझे कोई बंदूक ला के दे। क्या क्या ला दे? बंदूक। बंदूक क्या करनी है भाई, मेरा भी तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए। यार मैंने कौन सी कोई? आपने अब्बा जी का सबसे बड़े वाला ठाला जी है ना, वो हम सब पे चढ़ा दिया है। यार जो कुछ भी किया बहन की मोहब्बत में किया है ना। मुझे ये बताएं भाईजान,
मैं सबो के मरने का गम मनाऊं या अब्बा जी को दिए हुए धोखे से जान बचाऊं। आराम से हो? बहुत बुरा फंसाया है बजान आपने, बहुत बुरा फंसाया है। ऐसे लग रहा है गन्ने के ट्रक के चारों टायर जो है ना वो गाड़ी में फंस गया है। क्या हो गया? बैठ है तू और सारी मसाले तो ड्राइवरों वाली दे रहा है। देख सबर मेरी बात सुन, अगर आज हमने परी का साथ ना दिया ना रोजे कयामत ना सबो के बांध से पकड़ेगी हमें। बजान उस कयामत से पहले जो अब्बा जी ने कयामत डाली है उस पर कौन सा आइटम पेश करेंगे हम? कौन सा आइटम? क्या हो गया? गोली मार देंगे भाई? गोली नहीं मारेंगे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं मारेंगे गोली। तो आपके गोले के आगे खड़ा करेंगे, उड़ा देंगे हमें। आपको अंदाजा ही नहीं है भजन, आपने ना बुल फाइटिंग उसके सबसे बड़े वाले बुल के सामने खड़ा कर दिया है और लाल झंडी दिखा के ना छेड़ दिया उसको। अरे भाई तू ना सलारा घबराना नहीं तूने? अच्छा है? घबराना नहीं है कह रहे हो? मेरी सांस में सांस नहीं आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अस्पताल के सारे जानवर जो है ना वो मेरे पे हमला करने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो अभी तू नहीं आना। सोनी नहीं, ओए ओ चीता ओ पांडा ओए आती होम सर्विस का रिवाज हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे कितने पैसे बना लेती हो? जी दुल्हन कहाँ है जिनके लिए मुझे बुलाया है? दुल्हन आ रही है, शॉपिंग को गई है, आने आ रही होगी। आप उन्हें जल्दी बुलाएं, मेरे और कस्टमर भी वेट कर रहे हैं। नाम पड़ी है, असल में पड़ी नहीं वरना उड़ के आ जाती। पैसे कम रखो बेटा, रकम रखो, हमारा मुंह है, जज्बाती नहीं होते हैं, पिचक जाएगा आम की तरह। और हमें उठे छोड़ा जाए हैं हमारी रिलैक्सिंग चीजें चीजें। हाँ गए हमारी सीवी 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 दे एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो। छोटी आपी, वैसे क्या फायदा हुआ बड़ी आपी से इतनी वफादारी निभाने का? जुतियाँ ही मिलती है मुझे तो हमेशा। हाँ ऐसे इंसान को ना इतना अच्छा इतना कॉम्प्रोमाइजिंग भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला दीवार के साथ ही लगा दे। देखे ना कैसे दीवार के साथ लगी हुई आप। खौरे मेरी शक्ल ना अनारकली से मिलती होगी जो हर कोई मुझे दीवार में चुनवा देता है। अच्छा छोड़े ना इतना सैड क्यों हो रही है, मुझे दे ना ब्लाउज, शाम तक ऐसा वीआईपी तैयार करवा के लाऊंगी कि सब देखेंगे। बस रहन दे, कोई नहीं पहन रही मैं साड़ी सूड़ी, मैंने इरादा बदल लिया अपना। क्यों बदल लिया इरादा? पहने ना, आपे बहुत सूट करेगी। बस कर दे पारो मेरा दिमाग ना खराब कर, तेरी बातों पे ना यकीन कर ही ना लूं मैं। भाई हम तो मशवरा दे रहे थे, अब मशवरे से आपका दिमाग खराब हो रहा है तो ना पहने साड़ी, चूड़ीदार पहने, शरारा पहने, गरारा पहने, पहने पहने पहने, ना पहने ना पहने, आपकी मर्जी भाई, हम तो जा रहे हैं। आई बड़ी मशवरा दे रही हूँ मैं। भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा वैसे। हाय अल्लाह कहाँ लेके जा रहे हो? क्या फजूल बकवास करी थी तुम शाकिर पायन के बारे में? हाथ पकड़ कर पूछोगे तो बोल थोड़ी पाऊंगी। वैसे आंख तो ठीक लग रही है तुम्हारी, दिखाओ। बहुत ही डीट लड़की हो तुम। सोच लो बात खुल गई ना तुम भी रगड़े में आओगे। मुझे तो इतने रगड़े मिल चुके हैं कि मैं अपनी असल शक्ल ही भूल गया हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते तुम अपनी जबान बंद रखना। एक शर्त पे, वरना मैं तो अपनी सारी कश्तियां जलाई चुकी हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना
मेरी जबान खुल जाएगी, और अगर मेरी जबान खुल गई ना तो कल का फंक्शन, लाइटिंग सब बुझ जाएंगी। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। खुदा का खौफ करो, क्यों खुदगर्जी का मुजाहरा कर रही हो तुम? 10 दिन बाद तो पराए हो जाओगे ताशफीन साहब, अब इतनी खुदगर्जी तो बनती है मेरी भी। और मांग क्या रही हूँ तुमसे, एक कॉफी का कप? तुम और मैं, मान जाओ ना प्लीज, जाओ। अच्छा ठीक है, रात को तैयार रहना। ये हुई ना बात। बंद करो, कोई और गाना सुनाओ। एक मिनट लोए। ओ बाजी आलिया पुत्र, जरा मीठा तेज रख। चलो। ओ बाजी, निकाह है, बरात लेके थोड़ी जाना हमने। वैसे पोत तुमने पढ़ लिख के खोता ही खूह में फेंक दिया। वैसे बता रमजान, वे हिंदुस्तान लेके तो अब बरात जा नहीं सकते, तो इधर भी अपने चा पूरे ना करें। ओ पुत्र ओए, दिलदार की बात में दम है। दम तो चाचा मुख्तारे का भी अटका हुआ है, अब इस मौके पे ये ढोल ढमक का जचता है वाला। ओ तुम कहीं गोरकन से तो नहीं मिले हुए? अब्बा जी, ओए अल्लाह को लो खैर मांग, मुख्तारा ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है मुख्तारे से ज्यादा तुम्हारा दम मटका हुआ है। लो जी आ गया ने दूल्हा और दुल्हन। उनके लगाई हुई है ताऊ जी ने तो। हाँ, आपने तो बड़ा माहौल बनाया है भाई। ओए आहो, मेरे यार बिलड़े की शादी है, धूमधाम से होगी। समझ पुत्र, आज से 10 दिन के जश्न का आगाज हो गया है। ताऊ जी, वैसे मेरी शादी पे ऐसे कोई नहीं हुआ था, सबको सोकड़े पड़े हुए थे। क्योंकि बेटे शादी वाले दिन भी तुम्हारे खावंत की जुल्फें सफेद थी। नवी धुन बजाओ यार। तुम्हें क्या हुआ है? काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरा ख्याल रखती। ज्यादा डायलॉग्स मत बोलो, ये बताओ क्या बात है? आपको पता है कल के इवेंट के लिए मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, कि सब बच्चे समझ के मुझे इग्नोर कर देते हैं। तो तुम हमारे साथ चले चलते। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मुझे घास डाली। मार्केट लेकर जाओ उसे। किस खुशी में? निकाह की खुशी में। अच्छा, तुम्हें है खुशी? तुम्हें है? अब है तो फिर लेकर जाओ इसे मार्केट। देखो
बेचारा कितना उदास लग रहा है। ओ हेलो, ये तुम हुकुम दे रही हो या गुजारिश कर रही हो? हुकुम कर रही हूँ। ओके, दैट्स नाइस। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू चौधरी को समझने लगी हो तो। तुम भी साथ चलोगी? अभी तो आई हूँ मैं। हाँ तो मुझे आए हुए कौन सा पूरा साल हो गया है, तुम साथ नहीं जाओगी? तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये जो तुम्हारा भाई है ना, पुराना जोड़ा पहनेगा। अच्छा चलो, मैं मम्मी को बता के आया। यो, नहीं नहीं नहीं, अब दादी वाला लोचनी तलूंगा मैं साथ, वापस आके बता देंगे। चलो निकलो, आगे लगो, चलो शाबाश। सरकार आपके सार की कसम, बिल्कुल अचानक किया है फैसला। तो करो ना निकाह, मैंने कब मना किया है? आपके बगैर तुम्हारे पोते का निकाह है दिलदार अली, तुम्हारा अपना नहीं। वैसे भी अपना निकाह तो तुम किसी और से कर चुके हो सालों पहले। मेरी जान ये जहरीले तीर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा चौधरी दिलदार अली। पहले ही हार्ट बीट का मसला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम टू द पॉइंट, क्या कर सकती हूँ मैं? लिबर्टी वाली कॉफी शॉप पे पहुंचो, मैं फेस टू फेस आपको दावत देना चाहता हूँ बिल्लू के निकाह की। फायदा, मैं नहीं आ सकती, मुझे सेमिनार में जाना है मेडिकल कॉलेज के, लंबा चलेगा। ये तो बात की बात है ना, आप पहुंचो तो सही। अच्छा, आई एम कमिंग। ताऊ जी, वो चाबी दीजिएगा अपनी गाड़ी की। तुम्हारी कौन सी गाड़ी निकल रही है? नहीं, मुझे निकाह के छुआरे लेने जाना है ना। तो बिल्लू की गाड़ी ले जाओ, मैंने एक फौतगी पे जाना है। किसकी फौतगी? जज्बात की। किसकी? हसनात की। मेरा वो कॉलेज फेलो था, बेचारा फौत हो गया। तुम्हारी अपनी गड्डी किधर है? मेरी गड्डी शाकर भाई ने ले गए ब्लाइटो वालों के पास। जाओ, वो आ गया, ले जाओ अपनी गड्डी, मैंने एक जनाजे पे जाना है। और मैं भी छुआरे लेने जा रहा हूँ। ठहरो, जाओ। इसके छुआरे हड़ क्यों रहे थे? यो बंटी, जो जो पसंद है ना, जा ले लेके आया, याद करेगा। और सुन, हड्डे मत करी लोगों के साथ वहां पे। ये अकेले कैसे करेगा शॉपिंग? अकेला? ये अकेला 15-15 रोटियां खा जाता है, 2 बड़े बाउल पी जाता है शोरबे के, और पता है बाद में क्या कहता है? क्या? मम्मी भूख लगी है, चल जा अंदर। हम क्या करेंगे अकेले बैठकर? हाँ वैसे सही कह रही हो, वक्त तो बहुत ज्यादा है। लड़े यहाँ रोड पर, वो सामने कॉफी शॉप है, वहां बैठ के कॉफी भी पीते हैं और चलो लड़ते भी हैं। जी नहीं, थैंक यू। कॉफी पियोगी? मैं तो अपने नहीं लेने जा रहा हूं, लाऊ? अपने लिए ले आता हूं, पीनी है तो बता दो। हाथ मत जोड़ा करो मेरे सामने। आप मान जो नहीं रही। काश ये हाथ उस वक्त जोड़ लिए होते ना अपने अब्बा के सामने, तो इतने सालों की ये जुदाई बर्दाश्त ना करनी पड़ती। उसे कर्ज की वजह से तो आज तक आंख मिला के बात नहीं कर सकता। फिर मुझे नए इम्तिहान में क्यों डाल देते हो हर बार? बिल्लू का मामला है सरकार, ताशी की बात होती तो मैं कभी भी इतना इसरार ना करता। क्या हुआ, उन्होंने कॉफी देने से इनकार कर दिया? हाँ नहीं तो कुछ नहीं, वो मैं
अंदर गया तो सामने वो बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? प्रोफेसर बख्त, जिनके पेपर नहीं चोरी किए थे मैंने। वापस तो कर दिए, फिर क्यों डर रहे हो? यो, ऐसे बंदों का कोई भरोसा नहीं होता, अचानक गुस्सा चढ़ जाता है उन्हें। खैर छोड़ो ना तुम इस बात को, चलो अंदर चलते हैं, बंटी को देखते हैं कहीं मेरा एटीएम कार्ड ही ना खा गया हो। आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी। क्या मिला दोस्त जमा के? तुम्हारा साथ। क्यों खुद को धोखा दे रही हो पारो? क्या मैं दे रही हूँ सर? नहीं, मैं भी, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ ना। हैरत है, सबों के कजन होकर इतने बुजदिल हो। इसने पूरे खानदान के सामने स्टैंड लिया था अपनी मोहब्बत के लिए। उसकी इसी बहादुरी की वजह से तो मैं बुजदिल हो गया। कई साल तक खुद से, लोगों से नजर मिला के बात नहीं कर सकता था। तुम्हारा क्या कसूर? भरी बरादरी के सामने किसी को ठुकराना उसकी जात की नफी करना होता है। ये तो कोई समझ सकता है जिसे ठुकराया गया हो। तुम चाहो ना तो कल अपना हिसाब बराबर कर सकते हो। उसकी बेटी के निकाह पर जाकर सारी असलियत बता दो उसकी। इतना घटिया समझ रखा है तुमने मुझे। सच पूछो तो जब भी उसकी हकीकत खुलेगी ना, मैं उसकी बेटी का ही साथ दूंगा। क्या आप उसकी माँ से इतनी मोहब्बत करते? नहीं, किसी की औलाद को उसके ना करदा गुनाहों की सजा नहीं दे सकता। इतना बेजमीर नहीं हूं मैं। क्या हुआ? दोबारा मत कहना कि पारो ने ठुकराए जाने का दर्द नहीं सुना। मैंने तुम्हें नहीं ठुकराया, बस तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया मैंने ताऊजी के सामने। अच्छा टेंशन ना लो, आ जाऊंगी निकाह पे मैं। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। क्या हुआ है, मुंह क्यों छुपा रहे हो? डम्पू चूहा चला गया। कौन चला गया? वो मोटा लड़का जो लड़की के साथ इधर से गुजरा है, वो कहाँ बैठा है जाके? उधर बैठा है लेफ्ट पे। कौन है ये? ताशी है, मेरा भतीजा, इसी की 10 दिन बाद शादी है। इसी लड़की से हो रही है शादी? वो नहीं, ये तो रमजान की बेटी है माँ पारा। मेरा ख्याल है ये दोनों शॉपिंग पे निकले हुए हैं। सर डर क्यों रहे हो? तो क्या बताऊंगा, आपकी इज्जत का सवाल है। बच्चों के सामने पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। मेरा ख्याल है नीवे नीवे होके निकल चलते हैं। यार ये क्या मसला है तुम्हारी दादी का? मत अटेंड करो कॉल, वो भी मेरी नाक टूट जाती। टूटी तो नहीं ना, पीछे हो चल।
ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा दादी के साथ कोई पंगा चल रहा है ना? नहीं, अपनी किस्मत के साथ। क्या मतलब? घर चलो, बात करनी है तुमसे। अभी बताओ इधर ही, क्या हुआ बताओ। अभी नहीं बता सकती, बंटी है साथ। हाँ तो आप लोग बात कर लो, मैं कान बंद कर देता हूँ। नहीं, हम घर जाके बात करेंगे। ठीक है, घर जाके कर लेते हैं बात। साइड पे पीछे होके बैठ, ब्रेक लगेगी फिर मुंह लगेगा शीशे में तेरा, बात सारी मेरे पे आएगी। शबो इधर मुंह करना, सच्ची मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। क्यों मेरी रोटी की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है? करनी है ना अपनी अपनी शॉपिंग, कर लिया ना। डाड़ी की चाची जाए खे खाने। अल्लाह पाक की कसम, जो मैंने अपने सिर के बालों की पिन भी खरीदी हो, मुझे पता तू नाराज है ना, ब्लाउज की ला दे, मैं सी देती तुझे। देन दे कोई जरूरत नहीं है, मैंने इरादा ही बदल दिया, मैं साड़ी पानी ही नहीं कदे भी। हूं कर लिया मैंने पारो से बात, कह दिया मैंने उसको, कर रही है वो मेरी हेल्प, दे रही है कोई डिजाइनर से मुझे जोड़ा लेके। क्या मतलब है, इतनी सी बात के पीछे तूने मेरे दुश्मनों के साथ दोस्तियां लगा ली हैं, ये कोई तरीका है भला? हाँ जी, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि बुरे वक्तों के लिए ना कोई स्टेपनी जरूर पास होनी चाहिए। अच्छा बहन, रख ले तू स्टेपनी भी ते नाल पाना भी। आई वटी हर गल ते चू 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 लाई रख दी। बस दरमियां हर दिन शाम एक तू ही है हम नवा, पलकें उसकी उठती है तो दुनिया मेरी रुक जाती है, देखे मुझको पल भर जो तू सांस मेरी थम जाती। बड़ी बाजी, देखो आप कोई मजीद फरमाइश मत करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपने ब्रो से कोई अननेसेसरी बात करनी थी ना। हाँ नेसेसरी नहीं, इम्पोर्टेंट। कितनी दफा तुझे मना किया है मैंने कि अपनी मोटी गर्दन लेके अंग्रेजी में मत घुसा कर बंटी। आप दोनों बात कर ले इससे पहले कोई और टपक जाए, मैं तो जा रहा हूँ। इधर आओ सर, इधर आओ। किस बात पे लड़ी हो दादी से? मैं नहीं लड़ती उनसे। हाँ लड़ाई का सारा कोटा था तुम मेरे साथ लड़के पूरा कर लेती हो। नहीं एक बात बताओ बिलाल। हाँ पूछो। अगर कोई सही काम गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही होता है ना? अब ये तो बात बात पे डिपेंड करता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात हमें बहुत बुरी लग रही होती है ना वो बुरी होती नहीं। लेकिन मिस दिलशाद कहती हैं कि सही काम गलत तरीके से किया ही क्यों जाए। यार खुदा का वास्ता ये मिस दिलशाद की हेडिंग उस जुमले से हटा के साइड पे करो और मुझे साफ साफ बताओ ये कन्फ्यूजन क्यों है तुम्हारे चेहरे पे? दादा मैं आता हूँ। क्या हुआ है, परेशान क्यों लग रहे हैं? जरा मेरे साथ ऊपर चल, इस टंपू चूहे ने एक मीटिंग की ऐसी की तैसी फेर दी है। आ जरा इधर। अच्छा तो आज लुक्का छुपी फिल्म की शूटिंग करते रहे हैं आप हैं? ओ तू देख जरा इस टंपू को, वो मुझे कह के गया था कि मैं छुहारे लेने जा रहा हूँ। देखिए जरा उन्हें, और आप उन्हें कह के गए थे कि आप किसी जनाजे पे जा रहे हैं। और ये अब बुजुर्गों के साथ मुकाबला लगाएगा? अरे आप तो महान हैं, आपकी पैरों की धूल के बराबर कोई नहीं है हम में से। आप बड़े हैं, अब मामू के लिए थोड़ी सी माफी की गुंजाइश तो निकाले ना आप। और चल मैं बौंगियां ना मार, फोन मार जरा इसे और पूछ ये काफी साहब में पारों के साथ कौन सी पंचायत लगा के बैठा हुआ है।
जबरदस्ती लेके गई है खाला उन्हें, शॉपिंग करनी थी। सारे टब्बर ने इकट्ठे ही शॉपिंग पे अटैक करना था। अच्छा बाल बाल ही सही, बच तो गए ना आप। ओए अल्लाह बचाना ले, इन्होंने तो कट नहीं की। अच्छा ना, अब टेंशन ना लेना। ओ टेंशन मैं अब इसकी नहीं ले रहा, टेंशन तो पुत मुझे तुम्हारे निकाह के चुवारों की है, वो ले आए सही। अजरा जा निमो को और मलका दादी को इधर भेज, या मेरा पुत। दादा वो तुम्हें बुला लेता हूँ, मुझे एक बार बताएंगे चुवारे इतने इम्पोर्टेंट क्यों है यार निकाह के लिए? बस है भाई चुवारों की सुन ली है, वरना सबसे ज्यादा ड्राई ड्राई फ्रूट है ये। यही बात है, मुंह च पा लो तो समझ ही नहीं आती की पा बैठे हैं मुंह च। तुम्हें कैसे पता मुझे फिश एंड चिप्स पसंद है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हें ब्लू रंग पसंद है और रंग बिरंगी चूड़ियां पसंद हैं, साहिल समंदर पसंद है, गुलजार साहब की शायरी पसंद है और आर्ट फिल्में पसंद है तुम्हें। इतना कुछ जानते हो तो ये कैसे भूल गए कि आज? कि आज तुम्हारा बर्थडे, तभी तो चला आया हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हो। जिन्हें मुबाजी दूरी फिटे मुंह है तेरा ताशी। जी जी बाजी, मैंने तो छुआरे लेने भेजा था, तू कहाँ खेव डाता फिर रहा है? जी जी निम्मो बाजी मैं बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सुन मेरी बात, आते में जरा जूलर से होता है, वो मैंने बड़ी का सेट दिया है मोती चेंज कराने को, वो लेता है। जी 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 बाजी मैं लेकर आऊंगा, बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करो। चले पैक करा, शॉपिंग होगी बेटा? जी मामू। ये भी ना, आज से मामू है तेरे छोटे असली डॉक्टर मामू। ये सबर नो मोर इमोशनल ड्रामा, नहीं तो स्टोरी कहानी यही हो जाना है। अच्छा ये कलर वही है ना जो बाजी ने कहा था? जी हाँ ये वही कलर है। ठीक है पैक कर दे। चले चल। चाहिए? अब नहीं, मैं तो बस वैसे ही पहन के चेक कर रही थी। है मत उतारो, पहने रखो। मतलब अब इसका बिल बना दीजिएगा। रहने दो ताशी, मैं तो बस वैसे ही चेक कर रही थी, छोड़ दो। I know, मतलब तुम्हारे हाथ में अच्छी लग रही थी और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है ना, तो बस ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, पैक कर दें, बिल बना दीजिए। रिंग देने का मतलब जानते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जो चीज तुम्हें पसंद है वो तुम्हारी होनी चाहिए। फिर अपने बारे में क्या ख्याल है? जो मिला है उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। ठीक है, फिर इसे भी अपने पास रखो। नहीं, अब मैंने पहना दी है ना, उतार के दिखा।
नील पड़ गया होगा। नील तो बड़ी आप ही डालेंगे, घर तो चलो जरा। बड़े अंकल, मैं ना आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी सबाहत की बेटी हूँ।